अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करूंगा हैमर ऑफ थॉर के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मेल भी आए थे मुझे कि सर मुझे हैमर ऑफ थॉर की पूरी डिटेल चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए हैमर ऑफ थॉर के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हैमर ऑफ थॉर के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं रहेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मेल करें, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहले जान लेते हैं हैमर ऑफ थॉर है क्या। हैमर ऑफ थॉर मोस्टली एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक मिले हुए हैं। ये मोस्टली एक सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करने का बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। ये सारे सेक्सुअली डिसऑर्डर को तो ख़त्म नहीं कर पाता, लेकिन कुछ सेक्सुअली डिसऑर्डर को यह ख़त्म करता है और उसे रोकता भी है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके आप इस हैमर ऑफ थॉर को ख़रीद सकते हैं। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। इसमें जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है वो है शिलाजीत। इसमें शिलाजीत का जो रोल है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म करना और कंट्रोल करने का है। शिलाजीत को एक एसेंशियल इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है, यानी शिलाजीत आपके इम्यून सिस्टम पर भी वर्क करता है। शिलाजीत हैमर ऑफ थॉर में प्रीमेच्योर एजुकेशन को भी कंट्रोल करता है, यानी आपके शीघ्र पतन को भी ये कंट्रोल करता है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही अच्छा रोल निभाता है सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करने में। अश्वगंधा का काम हैमर ऑफ थॉर में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना है और सेक्सुअली परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ये यानी आपके इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस अश्वगंधा का काम हैमर ऑफ थॉर में मसल्स कंस्ट्रक्शन का भी है, यानी आपके मसल्स बिल्डिंग को भी ये मजबूत करता है, मसल्स को भी इंक्रीज करता है अश्वगंधा हैमर ऑफ थॉर में। इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है वो है मूसली। मूसली को एक एसेंशियल एमिनो एसिड भी कहा जाता है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और मसल्स फाइबर को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी मसल्स फाइबर को भी ये बनाता है, जिसके कारण पेनिस का इनलार्जमेंट होता है और पेनिस बड़ा होता है। अब जानते हैं इसके इस्तेमाल यूजेस के बारे में। अगर आप हैमर ऑफ थॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह कौन कौन से सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करता है और कंट्रोल कर पाता है। इसमें से जो पहला है वो लो लिबिडो। लो लिबिडो को हैमर ऑफ थॉर पूरी तरीके से ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें शिलाजीत और अश्वगंधा की मात्रा मिली हुई है, इसलिए लो लिबिडो में इसका वर्क बहुत बेहतर देखा गया है। एंड दूसरा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका रिजल्ट बेहतर देखा गया है, क्योंकि इसमें शिलाजीत, अश्वगंधा और मूसली की मात्रा मिली हुई है, इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका जो रोल है वो बहुत ही बेहतर बढ़ जाता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ये ख़त्म करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो स्टेइंग पावर को बढ़ाता है, यानी आपके शीघ्र पतन को कम करता है और ख़त्म भी करता है। अगर आपको शीघ्र पतन होगी तो आप में स्टेइंग पावर की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए शीघ्र पतन को भी रोकने में हैमर ऑफ थॉर का वर्क बहुत ही बेहतर देखा गया है। एंड फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेनिस के साइज को इनलार्ज करता है, ये पेनिस के आकार को भी बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मेरे पेनिस का साइज कैसे बढ़ेगा, तो ये अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट बहुत ही हद तक ये आपके पेनिस का साइज को भी, पेनिस के आकार को भी बढ़ाएगा। अगर आप हैमर ऑफ थॉर का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो आप में टेस्टोस्टेरोन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका जो पेनिस है वो इनलार्ज हो जाता है। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। अगर आप हैमर ऑफ थॉर का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो ब्लड वेसल्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं ब्लड वेसल्स, और ब्लड का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण पेनिस में इनलार्जमेंट होता है। तो हैमर ऑफ थॉर पेनिस के एनलार्जमेंट में भी बहुत ही बेहतर वर्क करता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में, अगर आप हैमर ऑफ थॉर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं आपके बॉडी पे। मोस्टली ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसका इस्तेमाल करें।
क्योंकि ये एक मेडिसिन है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर हैमर ऑफ थॉर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको इसके डोजेस ज़रूर जानने चाहिए, आप इसके डोजेस ज़रूर याद कर लें। ये मोस्टली दो फॉर्मेट में आता है, ये कैप्सूल में भी आता है और पाउडर के रूप में भी आता है, यानी इसका जो फॉर्म है वो पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल मार्केट में अवेलेबल है और कैप्सूल के रूप में भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जो कैप्सूल है वो मोस्टली दिन में दो बार लेना चाहिए। आप एक कैप्सूल सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, इसके इंडिकेशन के अनुसार। और इसका जो पाउडर है वो दो चम्मच शाम को, अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैमर ऑफ थॉर के पाउडर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दो चम्मच शाम को संबंध बनाने से एक घंटे पहले लें या तो फिर सोने से एक घंटे पहले ले लें। इसका जो डोजेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसके डोजेज को हमेशा याद रखें। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो फिर मेल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसका मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, यूट्यूब के टर्म और कंडीशन के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार, कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। तो आप मुझे मेल करें अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो, अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।